अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हिना और मेरे इस चैनल का नाम है लाइफ विद हिना, जहां मैं स्किन केयर से रिलेटेड DIYs और कुछ रेमेडीज अपलोड करती रहती हूं। आज जो ये रेमेडी मैं आपके लिए लेके आई हूं, ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ 5 डेज स्किन ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज। इस सीरीज को मेरे साथ अगर आप पूरे 5 डेज फॉलो करते हैं तो यू विल सी मैजिक। आपकी स्किन में वो मैजिक होने वाले हैं कि आप खुद देखेंगे कि ये हमारे स्किन में जितने भी इश्यूज थे वो सारे ही जो है वो इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे और आपके स्किन जो है वो अलग ही तरीके से ब्राइटर, शाइनर और हेल्दी हो जाएगी। सबसे पहले अगर आप ये चाहते हैं कि आपको स्किन इश्यूज ना हो, पिंपल्स ना हो, एक्नी ना हो और बहुत सारी परेशानियां जो कि स्किन के लिए फेस करनी पड़ती हैं और सबसे ज्यादा साइंस ऑफ एजिंग आपके स्किन में ना आए, तो आपको थोड़ी सी मेहनत जो है वो अपनी स्किन के लिए करनी पड़ेगी। देखिए, होम रेमेडीज जो होती हैं उनको कभी भी जो है एक बर्डन समझ के ना करें, बल्कि इसको एक अपने रूटीन का एक हिस्सा बना लें और फिर देखें कि ये होम रेमेडीज जो है ये आपके लिए कितने सारे मैजिक कर सकती हैं। तो ये सीरीज शुरू करने से पहले कुछ डूज और डोंट्स हैं जो कि हमें, जब तक कि भी ये सीरीज 5 डेज की है, उसमें हमें ये फॉलो करने हैं। अब कुछ डूज और डोंट्स हैं जो कि ड्यूरिंग द सीरीज आपको फॉलो करने हैं। वैसे तो सीरीज के बाद भी आपको इनको फॉलो करना चाहिए, लेकिन ड्यूरिंग द सीरीज तो आपको लाजमी फॉलो करने हैं। कम अज़ कम 12 ग्लासेस ऑफ वाटर आपको लाजमी इनटेक करना है, और अगर इससे ज़्यादा आप पानी ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आप इससे भी ज़्यादा पानी का इनटेक करें। एक बोल जो है आपको सलाद का लेना है, फ्रेश वेजिटेबल्स जो कि आपने रेगुलर एक बोल यूज़ करनी है। आप एक बोल जो है वो फ्रूट्स का लेंगे, अगर एक बोल नहीं ले सकते तो कम से कम कोई से भी 2 सीजनल फ्रूट जिनके लिए भी आप कंफर्टेबल हैं वो आपने रेगुलर लेने हैं। आपको जंक फूड और प्रोसेस फूड जो है वो बिल्कुल नहीं यूज़ करना, कोई पिज़्ज़ा पास्ता इस्तेमाल नहीं करना। एक ग्लास आप लेमन वाटर रेगुलर लेंगे, कंफर्टेबल हो तो निहारमू ले सकते हैं, नहीं तो दिन में किसी भी टाइम जब भी आप कंफर्टेबल हो ले सकते हैं। आपने एक कप जो है वो ग्रीन टी का इनटेक लाजमी करना है, क्योंकि ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में जितनी भी टॉक्सिन्स होंगे उन्हें रिमूव करेगी। तक हम इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तब तक अपने फेस को साफ करने के लिए हमें माइक्रोफाइबर टॉवल का इस्तेमाल करना है। अगर वो अवेलेबल ना हो तो आप जो है वो फेस वाइप्स भी यूज कर सकते हैं, या फिर सॉफ्ट टिश्यूज जो कि फेस को साफ करने के लिए यूज किए जा सकते हैं, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको क्या करना है, आपने अपने फेस को टच नहीं करना। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो बार बार जो है वो अपने फेस को हाथ लगाते हैं, आपको अपने फेस को बार बार हाथ नहीं लगाना है। अब ये सीरीज जो है इसमें हमें क्या करना है, इस सीरीज के लिए जो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे हमने पहले अपनी स्किन को बहुत अच्छी तरह से साफ करना है। जो भी हमारे पोर्स में जो भी पॉल्यूशन है, डर्ट है, जो भी गंदगी है, हमने उसको जो है वो बिल्कुल साफ करना है। और उसके लिए हमें क्या चीज़ लेनी है, उसके लिए हमें लेना है ये बेसन। बेसन एक अकेला ही अपने अंदर इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हमारी स्किन के लिए कि अगर इसको नॉर्मल सिर्फ हम पानी में घोल के इसका पेस्ट बना के ही अगर अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं एक फेस वॉश की तरह, तो ही हमारी स्किन जो है खाली बेसन से ही साफ हो सकती है, हमारी स्किन के सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो सकते हैं। एक्ने, पिंपल, तकरीबन सारे ही प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस बेसन से सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन इसको हमें और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना है क्योंकि फर्स्ट डे है हमारी सीरीज़ का, हमें स्किन को साफ करना है। तो बेसन जो है उसका जो मास्क हम प्रिपेयर करेंगे, उसे प्रिपेयर करेंगे हम दूध के साथ, और ज़्यादा बेहतर है अगर आप जो वो दूध है उसे कच्चा लें, रॉ मिल्क लें। और दूध जो है ये एक बेस्ट क्लिनजर है हमारे स्किन के लिए, हमारी स्किन की सफाई के लिए। तो आपने जो ये मास्क रेडी करना है, ये आपने बेसन और दूध, बस इन 2 चीज़ों को मिला के आपने ये मास्क जो है ये रेडी करना है। अब इस मास्क के लिए मैं कितना, 1 टेबल स्पून मैं बेसन ले रही हूँ, आप भी 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून जितना आपको ज़रूरत हो अपने फेस और नेक के हिसाब से आप उतना बेसन लेंगे। उस बेसन का मास्क आप
थिक सा, बहुत ज़्यादा थिक नहीं, नॉर्मल थिक आप दूध से जो है उसका मास्क आप प्रिपेयर करेंगे, आप उसमें दूध ऐड करेंगे, उससे इसका एक थिक सा एक पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से आपने ये एक पेस्ट रेडी कर लेना है। बस इस पे और कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, बस ये दो चीज़ें ही इनफ है हमारी स्किन की सफाई के लिए। इसको आपने अप्लाई करना है, ऐसा थिक सा पेस्ट जो है वो आपको इस तरह से अपने फेस पर और अपनी नेक पर आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करके आप 20 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दीजिएगा। 20 मिनट्स इस मास्क को रखने के बाद मैंने इसे वॉश ऑफ कर दिया है। वॉश ऑफ करने के बाद आपको जब आपका फेस ड्राई हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने रोज वाटर का अच्छी तरह से जो है वो स्प्रे करना है, और स्प्रे करके आपने इसको छोड़ देना है। इसको दोबारा आपको ड्राई नहीं करना। जब आपका फेस ड्राई हो जाएगा, रोज वाटर जो है वो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो फिर आपने जिस भी मॉइस्चराइजर के लिए आप कंफर्टेबल होते हैं वो मॉइस्चराइजर आपने अप्लाई करना है। अब मैं आपको बताऊं, ये मास्क जो है ये आपको दिन में दो बार यूज करना है। डे वन के लिए ये मास्क आप दो बार यूज करेंगे, मॉर्निंग में यूज करेंगे और फिर रात को सोते हुए यूज करेंगे। मॉर्निंग में जब आप यूज करेंगे तो इस तरह से मास्क बना के इसे 20 मिनट छोड़ के आपने वॉश ऑफ करना है, और इसी तरीके से आपने जो है वो रोज वाटर का स्प्रे करके आपने ड्राई करके मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। लेकिन डे टाइम है, अगर आपने बाहर जाना है तो लाजमी आपको सनस्क्रीन का यूज तो करना ही करना है, सनस्क्रीन इज मस्ट। रात के टाइम जब आप इस मास्क को दोबारा फॉलो करेंगे, इसी तरह से बनाएंगे, इसी तरह से मिल्क में बना के आप अप्लाई करेंगे, तो फिर आपको सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, आप मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं। और अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपको सूट करता है, तो आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल भी ओवरनाइट के लिए अपनी स्किन पर कर सकते हैं। ये थी हमारी डे वन की रेमेडी, जो कि हमारी स्किन को बहुत अच्छी तरह क्लियर कर देगी, क्लीन कर देगी, हमारे पोर्स को बिल्कुल साफ कर देगी, कोई डर्ट पॉल्यूशन हमारी स्किन पर नहीं बचेगा। अब फॉलो करनी है हमें डे टू की रेमेडी, जिसके लिए मैं आपको मिलूंगी कल इंशाल्लाह। मैं आपको बताऊंगी कि डे टू हमें क्या जो रेमेडी है वो फॉलो करनी है। तो अगर ये आपको रेमेडी पसंद आई है तो वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ मैं कल अपनी डे टू की रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज़।